हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। बालक, हम तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। ये यज्ञ का अश्व हमें लौटा दो, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। युद्ध में हमें पराजित कीजिए और घोड़ा ले जाइए। और ये भी याद रखिए, घोड़ा लिए बिना चले गए तो समस्त विश्व में अपयश फैलेगा। महाराज राम, यदि आप क्षत्रिय हैं, तो आप अपने पूर्वजों की आन है कि युद्ध भूमि में सारी मोह ममता त्याग कर एक वीर क्षत्रिय की भांति व्यवहार कीजिए और अपना धनुष उठाइए। हमें ऐसी शपथ मत दो कि हम विवश हो जाएं। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कोई तंत्र विद्या सिखाई है? क्यों? क्योंकि जो कार्य तुमने किया है वो अवश्य दंड देने योग्य है, परंतु तुम्हें देखकर हमारे मन में न तो दंड देने की इच्छा हो रही है और न तुमसे युद्ध करने की। मेरी अवस्था भी यही है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप किसी मोहिनी मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये विधाता की विधि कैसी है कि दोनों ओर से धनुष उठाना कठिन हो गया है। महाराज राम, इस प्रकार यह मंत्र तंत्र का प्रयोग वीरों के लिए उचित नहीं है। यदि कर सकते हैं तो सच्चे क्षत्रिय की भांति हमें अस्त्र शस्त्र से पराजित करिए, भावना की मोहिनी डालकर नहीं। बालक, हम तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। ये यज्ञ का अश्व हमें लौटा दो, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। युद्ध में हमें पराजित कीजिए और घोड़ा ले जाइए। और ये भी याद रखिए, घोड़ा लिए बिना चले गए तो समस्त विश्व में अपयश फैलेगा। बालक, हमें विवश मत करो। जब युद्ध भूमि में आ ही गए हैं महाराज, तो अब और कोई मार्ग नहीं बचा। एक ही मार्ग रह गया है, धनुष उठाइए। महाराज राम, क्षत्रिय केवल बातें नहीं करते, युद्ध करिए युद्ध। उठाइए धनुष। महाराज राम, यदि आप क्षत्रिय हैं, तो आप अपने पूर्वजों की आन है कि युद्ध भूमि में सारी मोह ममता त्याग कर एक वीर क्षत्रिय की भांति व्यवहार कीजिए और अपना धनुष उठाइए। बालक, हमें ऐसी शपथ मत दो कि हम विवश हो जाएं। हे राम, ये आप क्या कर रहे हैं? बालकों की बातों में आकर ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? कल्याण मस्तु। प्रभु, स्त्री, वृद्ध और बालक, इन तीनों के जीवन की रक्षा का भार तो राजा पर ही होता है। अपराधी होने पर भी उन पर राजा का हाथ नहीं उठता। महर्षि, ये बालक बहुत हठी हैं। बाल हट तो सब जानते हैं महाराज, परंतु बाल हट का उत्तर राजहट तो नहीं हो सकता। कुश, लव, ये हमारे राजा हैं, हम इनके राज्य में रहते हैं।
राजा के सामने अस्त्र उठाना राजधर्म के अनुसार पाप है। आपने राजा की अवज्ञा की है। आपने राजा का घोड़ा क्यों पकड़ा? दो कारणों से गुरुदेव। पहला कारण तो यह चुनौती है जो इस घोड़े के मस्तक पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। सुनिए क्या लिखा है। राज राजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्व में यज्ञ का यह अश्व दिग दिगांतर में स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे नतमस्तक होने वालों को महाराज राम की शरण प्राप्त होगी और जो इसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे श्री राम की सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी होगी। गुरुदेव, आप ही ने सिखाया था कि सच्चा क्षत्रिय वही है जो युद्ध की ललकार सुनकर भाग न जाए, इसलिए हमने यह चुनौती स्वीकार कर ली। और दूसरा कारण? कुछ भैया को महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछ लेते, सो मैंने सोचा वैसे तो हमारी भेंट महाराज राम से हो नहीं सकती। यदि यह घोड़ा पकड़ ले तो उसे छुड़ाने के लिए महाराज राम स्वयं आएंगे और कुछ भैया उससे प्रश्न भी पूछ लेंगे। पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? एक ही प्रश्न है महाराज, कि हमारे गुरुदेव कहते हैं आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, परंतु यह कहाँ की मर्यादा है कि उस पत्नी का जिसकी पवित्रता पर आपको स्वयं विश्वास है केवल कुछ लोगों की निंदा के कारण त्याग कर दिया जाए और उसे निस्सहाय अवस्था में वनवास के दुख भोगने पर विवश कर दिया जाए, यह कौन सा धर्म है? राजधर्म। एक साधारण मानव के धर्म और एक राजा के धर्म में इतना ही अंतर है। एक साधारण मानव का प्रथम धर्म है अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों, माता पिता और निकट सगे संबंधियों की रक्षा करना, उनको सुख पहुंचाना और यदि कठिन समय आए तो दुख में उनका साथ देना। परंतु वही मानव जब राजमुकुट पहनकर राजा बन जाए तो उसका प्रथम धर्म अपने निजी सुख या दुख और अपने निकट सगे संबंधियों के सुख दुख में उनका साथ देना नहीं रहता, वरन राजा का धर्म केवल प्रजा रंजन होता है। उसके सारे कर्म प्रजा मत के अधीन होते हैं, फिर चाहे निजी तौर पर उसे सुख हो या दुख। उसका कर्तव्य तो वही है जिससे प्रजा का कल्याण हो, प्रजा रंजन हो और जिसमें प्रजा का मत हो। यही उसका पहला धर्म भी है और यही उसका आखिरी धर्म भी है। इसे ही राजधर्म कहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि अन्याय आपने नहीं अयोध्या की प्रजा ने किया है। जो अयोध्या की प्रजा ने किया है उसका उत्तर अयोध्या की प्रजा से मांगना चाहिए। लवकुश, इस समय तुम दोनों ने इनका घोड़ा पकड़कर और इनके सामने अस्त्र उठाकर जो अवज्ञा की है उसके लिए तुम्हें इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। महाराज राम के विरुद्ध तुम्हारा अस्त्र उठाना ऐसे ही धर्म विरुद्ध है जैसे तुमने अपने पिता के ही सामने अस्त्र उठाए हो, क्योंकि राजा प्रजा के लिए पिता समान ही होता है। शास्त्र कहता है कि पिता ही सर्वभूतानां राजा भवति धर्मतः, इसलिए तुम्हें इनको पिता समान आदर देकर क्षमा मांगकर यज्ञ का घोड़ा लौटा देना चाहिए।
जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज, हम नक्षत्रियोजित कर्तव्य समझकर भूल से आपकी जो अवज्ञा की है उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। यदि आप हमें कोई दंड देना चाहे तो वह भी हमें स्वीकार है। तुम दंड के अधिकारी नहीं हो बालक। तुम्हारे जैसे वीर गुणी और ज्ञानी बालक जिस राजा के राज्य में हो उसे उन पर गर्व करना चाहिए और पुरस्कार देना चाहिए। जब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो जाए और यदि तुम्हारे गुरु और तुम्हारे माता पिता तुम्हें आज्ञा दें तो तुम दोनों के लिए मेरे द्वार सदैव खुले रहेंगे। उचित समय आने पर ये दोनों आपकी इस उदारता का लाभ अवश्य उठाएंगे। कुश वत्स अयोध्या की सेना पर इस पहली विजय से तुमने मेरी विद्या सफल कर दी। अब चैतन्य अस्त्र द्वारा इन सब की मूर्छा भंग कर दो जिससे महाराज समस्त बंधु बांधुओं सहित जाकर अपना यज्ञ संपूर्ण कर सके। जो आज्ञा गुरुदेव। चलिए महाराज।